नमस्कार, मैं हूं अभिजीत भारद्वाज। आप सभी का स्वागत है लाइव झारखंड ब्रेकिंग की दिन भर की बड़ी खबरों में। दिन भर की बड़ी खबरों के प्रायोजक हैं शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, NIPS स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट, ISM पुंदाग, कैलाश पेपर कन्वर्जन, जीरो वरिस प्राइवेट लिमिटेड, बुधिया बागान और लक्ष्मी विलास बैंक गोल्ड लोन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह रक्षकों के बकाया मानदेय के भुगतान के लिए 32,06,43,000 रुपये अग्रिम की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डोनेट ब्लड सेव लाइफ कार्यक्रम में किया रक्तदान, कहा रक्तदान के लिए युवा वर्ग को आगे आने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती ने की शिष्टाचार मुलाकात। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार संभवतः कल, राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खेलो इंडिया कार्यक्रम के जरिए केवल 3 वर्ष में 3,000 से अधिक प्रतिभाशाली बच्चे खेल जगत में उभरे। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, शाहीन बाग का विरोध प्रदर्शन दिखाता है कि मुट्ठी भर लोग नागरिकता संशोधन कानून पर बहुमत की आवाज को दबाने का कर रहे हैं प्रयास। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ट्रिपल तलाक पर आंसू बहाने वाले पीएम मोदी को मां बहनों से मिलने जाना चाहिए शाहीन बाग। नागरिकता कानून पर बाबा रामदेव ने कहा कि यह देश किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है और ना ही मोदी, योगी और अमित शाह का है, यह देश हम सभी का है। मायावती ने CAA NRC का विरोध करने वाली महिलाओं के खिलाफ मामले वापस लेने की मांग। नागरिकता कानून के खिलाफ अब पश्चिम बंगाल सरकार भी विधानसभा में लाएगी प्रस्ताव। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पिछले दिनों पथलगड़ी विवाद में 7 लोगों की नृशंस हत्या मामले में 15 लोगों की हुई गिरफ्तारी। रांची के ज्वेलरी शॉप में पिछले दिनों लूटपाट करने का प्रयास करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, हथियार बरामद, 5ों पड़ोसी राज्य बिहार के रहने वाले। पाकुड़ के DCLR रविंद्र चौधरी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल, वाहन चालक को भी लगी चोट, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। लोहरदगा में कर्फ्यू हटते ही दुकानों पर उभरे खरीदार, हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 100 लोगों को लिया हिरासत में। रिम्स में इलाजरत सजायाफ्ता लालू यादव से मिली पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती भी थी साथ। रांची नगर निगम महापौर की अध्यक्षता में हुई बैठक, पेयजल और सड़क योजना समेत अन्य योजनाओं पर हुई चर्चा। Under-19 विश्व कप क्वार्टर फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी टक्कर। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, देवघर, दुमका में सामान्यतः छाए रहेंगे बादल, डाल्टनगंज में हल्की बारिश की संभावना। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की खबरें दिन भर में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।